नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हम उन महान शख्सियत के साथ हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बहुजन समाज के लिए नौछावर कर दिया। और नौछावर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक कलम के जादूगर हैं और अपनी कलम की लेखनी से सैकड़ों किताबों की रचनाएं करी हैं। और उन रचनाओं के अंदर अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो बहुत बेहतरीन बेहतरीन किताबें आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि आप किसी नौकरी पे जाना चाहते हैं तो आपका कैरियर कैसा होना चाहिए, बहुजन साहित्य को पढ़ना चाहते हैं तो रूपचंद गौतम जी की कलम से आपको मिलेगा। ऐसी ढेरों सारी रचनाओं को उन्होंने, आर्टिकल्स को उन्होंने अपनी लेखनी से ताकत देने का काम किया है सिर्फ बहुजन समाज के लिए। अगर पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर ये किताब आप मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन किताबों का लिंक मिल जाएगा। और यह किताबें, 14 किताबें आई हैं मेरे पास, और 14 किताबों को समझिए कि जो ये रूपचंद गौतम जी का इसके अंदर बहुत लंबा समय गया है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जो आपने हमें समय दिया मुलाकात के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको जो आपने इतनी सुंदर किताबें लिखी हैं सर। जी जी रूपचंद जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि यह प्रेरणा आपको कब मिली और कैसे मिली, और आपने क्यों लगा कि मुझे बहुजन साहित्य पे काम करना चाहिए? देखिए, ये बहुत लंबा समय है जी, और मैं प्रारंभ से ही यानी 1983 से मैं कांशीराम जी से जुड़ गया था। जी, उनका अखबार मेरे लिए मेरे घर पर आता था। हम बुलंदशहर में, हम दो घर थे, एक बुलंदशहर में मेरा घर था, हम मेरे गांव में, और एक जहांगीराबाद में होते थे, वो BSP का अखबार मंगा थे, बहुजन संगठक। तो उनसे प्रेरणा ले करके मैंने ये काम शुरू किया। फिर बाद में कांशीराम जी ने एक बात कही थी कि जिस समाज की जड़ें नहीं होती जी, वो अपना इतिहास नहीं बना सकता। हमारा समाज जो रूटलेस समाज है जी, तो उस बात को मैंने ध्यान में रख करके पत्रकारिता से लिखने से जुड़ा जी। पत्रकारिता में नहीं, लिखने से ही जुड़ा और उतना जुड़ा। फिर दिल्ली में मैं भी आया तो दिल्ली में मोहनदास नेमिसराय का संपर्क मेरे से हुआ और उन्हीं की प्रेरणा से मैं आज इतना ये काम कर पाया हूँ। क्या कहना चाहेंगे, जबकि आपने अपना पूरा जो समय है अपना जीवन का बहुत महत्वपूर्ण क्षण आपने बहुजन साहित्य को दिया, लेकिन बहुजन साहित्य में आपको बहुत कम रिकवरी होती है पैसे की। जो बहुजन साहित्य होता है, वह जो साहित्य होता है वो पब्लिकेशन वाले रॉयल्टी ले जाते हैं, और आपको मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसका पेबैक मिलता है या नहीं मिलता, वो बताएं आपको रॉयल्टी वगैरह। रॉयल्टी तो फिर कांशीराम जी की बात आती है जी, कि जब नौकरी जिस आदमी ने छोड़ दी इतनी बड़ी पोस्ट पे जी, तो पैसे की तरफ उनका रुझान नहीं था जी, उन्हें समाज चेतना उनके अंदर जग चुकी थी जी, और वो जगने का ही कारण एक नौकरी छोड़ करके वो समाज में उतर आए जी, और तभी ये महसूस कर पाए कि हमारे समाज के साथ किस तरह से उत्पीड़न होता है जी। तो जिस बैकग्राउंड से कांशीराम, मान्यवर कांशीराम आते हैं जी, उसी बैकग्राउंड में वहाँ इतना उत्पीड़न नहीं था जी, और उन्होंने ये देखा और समझा और अपने जीवन में करीब 12 पत्र पत्रिकाएं का संपादन किया जी। उनका मानना था कि दुश्मन को घेरने के लिए हमें मीडिया की जरूरत पड़ेगी जी, और बिना मीडिया के हम आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते जी, और मीडिया हमें छापना नहीं चाहता जी। तो मीडिया बनिया और ब्राह्मणों का घर है, उनका पैसा लगा हुआ है, ब्राह्मण का दिमाग लगता है और बनिया का पैसा लगता है, इसलिए वो हमारी बात क्यों छापेगा जी। तो उन्होंने इस उद्देश्य को लेकर के अपनी पत्र पत्रिकाएं निकाली, कई भाषाओं में निकाली, दैनिक अखबार भी निकाली उन्होंने जी। तो मैंने सोचा कि ये इस तरह से काम करेंगे तो ठीक है, लेकिन नेमिसराय के साथ जब जुड़ करके हमने भी पत्र पत्रिकाएं निकालनी शुरू, हमने बयान मैगजीन निकाली, उससे पहले कई पत्र पत्रिकाओं में काम किया, और अंतिम निर्णय पर फिर मैं यही आया कि हमारा समाज रोता तो है जी, कि हमारी न्यूज नहीं छापता मीडिया जी, लेकिन मीडिया के प्रति हमारा समाज जागरूक नहीं हो पाया। बिल्कुल, क्योंकि अब जागरूक बनने के लिए मैंने इस काम को शुरू किया कि हमारे लोगों ने, दलित लोगों ने, आदिवासी लोगों ने, पिछड़े लोगों ने पत्र समाज को जागृति देने के लिए अपने स्तर पर पत्र पत्रिकाएँ निकाली, स्मारिकाएँ निकाली, हैंडबिल निकाले, पोस्टर निकाले और बुकलेटें निकाली जी। तो वो ही हमारी जन चेतना का जागरण है, वही हमारे जन माध्यम है जी। उस जन माध्यम को मैंने इन किताबों में
समेटने का कोशिश की है। और एक तरीके से जो कह रहे थे कांशीराम जी हमारे समाज का कोई जड़ें नहीं होती, आज मैं आपके सामने ये हमारी दलित आदिवासी और पिछड़े वर्ग की पत्रकारिता की जड़ें हैं। जी बिल्कुल, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि छोटे काशीराम हैं, क्योंकि वे उन्होंने अपने घर को नहीं देखा कि अगर इसी लेखन को वह किसी वादी व्यवस्था के लोगों को देते तो मुझे लगता है इनकी आय और स्रोत काफ़ी ज़्यादा बढ़ते, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए भी अपना परिवार को छोड़कर पूरे दिन रात लिखने का कार्य करा उन्होंने और बहुत सुंदर सुंदर वॉल्यूम दें। आप भी मंगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसका लिंक दे दिया है। रूपचंद जी, मैं चाहूँगा जो अभी आपके 14 वॉल्यूम्स आए हैं, 14 वॉल्यूम्स में ऐसा क्या है जो और साहित्य में नहीं मिलेगा लोगों को, वह आप अपने अपने मुँह से अपने इसको बताएं कि कौन कौन से साहित्य के अंदर क्या मिलने वाला है। ये पहला वॉल्यूम है जी, और इस वॉल्यूम में मैंने अम्बेडकर जनसंचार का परिचय दिया है जी, और अम्बेडकर जनसंचार के परिचय के साथ में अम्बेडकर जनसंचार को गतिशीलता दी है जी। हमारी गतिशीलता विशेष रूप से हैंडबिल, पोस्टर, बुकलेट से प्रारंभ होती है जी, गीतों से प्रारंभ होती है, पब्लिकेशनों से प्रारंभ होती है जी, तो ऐसे और समीक्षाओं से शुरू आती है, पत्र पत्रिकाओं से होती है, संस्थाओं से होती है, ये अम्बेडकर जनसंचार के माध्यम रहे हैं जी। पत्र पत्रिका रही हैं, संस्थाएं रही हैं जी, और स्मारिका रही हैं, बुकलेट रही है। स्वामी अच्युतानंद का आंदोलन भी सबसे पहले हैंडबिल से प्रारंभ होता है। क्या बात, उन्होंने अपना पहला हैंडबिल 1900 क्या कहते हैं, जो बाहर के विदेश के लोग आए थे हमारे बीच में, उनके स्वागत में और उनके सम्मान में और उनको अपनी बात रखने के लिए हैंडबिल निकाला था, जिसमें 17 सूत्रीय कार्यक्रम थे, वो पहला हैंडबिल था। यानी स्वामी अच्युतानंद को मैं ये कह सकता हूँ सबसे पहले हैंडबिल निकालने वाले, हैंडबिल के माध्यम से अपनी समाज को चेतना करने वाले, हैंडबिल के माध्यम से अंग्रेजों को अपनी बात प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति थे जी। और ये दूसरा वॉल्यूम उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश की पत्र पत्रिकाओं का इतिहास है जी, कि कब से प्रारंभ हुई पत्र पत्रिकाएं और अब तक कौन कौन सी पत्र पत्रिका प्रकाशित हो रही है, वो सारा विवरण मैंने दिया है और मैंने चित्र के साथ भी दिया है जी। बहुजन शब्द की जो बात आती है, जो माननीय कांशीराम जी ने बहुजन शब्द लाए हैं, इनसे पहले हमारे छेदीलाल शास्त्री थे नकलों के, उन्होंने बहुजन अखबार निकाला था जी, कांशीराम जी से पहले जी। तो हिंदी में उत्तर प्रदेश की पत्र पत्रिकाओं का इतिहास आप खंड दो में आप देख सकते हैं जी। तीसरा खंड जो है वो दिल्ली की पत्र पत्रिकाओं का है जी, बल्कि मैं तो इसमें देख रहा था कि इसमें करीबन 100 से ज्यादा यूट्यूबर्स को, यानी कि आपको भी नहीं पता हो कि आपके अपने समाज के कौन से यूट्यूबर्स हैं और जो चैनल चलाते हैं, जो सामाजिक ब्लॉग चलाते हैं, उन सबको इन्होंने इकट्ठा करा। इसके अलावा भी गीत, जो गीत लिखने वाले हैं, गायक हैं और कई सारे प्रकाशक और यूट्यूबर से रिलेटेड, ये सारा वीडियो आप देख सकते हैं, इसके अंदर सारे के सारे आपको इस साहित्य में मिलने वाले हैं जी सर। तो ये तीसरा खंड जो दिल्ली की पत्र पत्रिका का इतिहास है, कब से पत्रिकाएं हमारे लोगों ने निकालनी, 1959 से पत्र पत्रिकाएं हमारे दिल्ली में प्रारंभ होती हैं जी। आर के शशि थे, उन्होंने मैगजीन निकाली जी, उत्थान नाम की मैगजीन निकली, विद्रोही अखबार निकला, ये दोनों एक ही साथ एक ही वर्ष के हैं जी। इस चौथे खंड में विभिन्न राज्यों की पत्र पत्रिकाओं का इतिहास है, जैसे उत्तराखंड की पत्रकारिता, जैसे उसमें समता अखबार भी आता है जो मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने निकाला अल्मोड़ा से 1934-35 के बीच में, फिर उसके बाद में और भी अखबार अल्मोड़ा से निकले, और राजस्थान से पत्र पत्रिकाएँ हैं, हरियाणा से पत्र पत्रिकाएँ हैं, और बिहार से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, हिमाचल से हैं और अन्य जगह से, महाराष्ट्र की जो हिंदी में जी, उनका इसमें मूल्यांकन है जी। बहुत सुंदर, ये पांचवा वॉल्यूम स्मारिकाओं की याद दिलाता है जी। हमारे लोग ज़्यादातर पत्र पत्रिका नहीं निकाल पाए और संस्था बनाते थे, संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने स्मारिका निकालते थे, उस स्मारिकाओं में अपने समाज की गतिविधियाँ होती थी, लेख होते थे, कविता छपती थी और संस्था की गतिविधियाँ छपती थी, उनकी रिपोर्टें होती थी जी। लेकिन पत्र पत्रिकाओं के साथ के अलावा स्मारकाओं को जिस ढंग से उन्होंने मेहनत करी, उस ढंग से उन लोगों को परिणाम नहीं मिल पाया। उन्होंने मैंने दे दी, आपने रख ली, आपने दे दी, उसने रख ली, और बिना पैसे की, वो बिना कॉस्ट की स्मारिका होती थी
और उनको पत्र, हमारे पत्रकारों ने भी पत्रकारिता की श्रेणी में स्मारिका को नहीं रखा, इसलिए मैंने ये स्मारिकाओं पर ये जो पांचवा खंड निकाला है जी, इसमें पूरे देश में किन किन लोगों ने कहाँ कहाँ से पत्रिका स्मारिकाएँ निकाली, उन सब का विवरण इस किताब में आप इस खंड में देखने को मिल सकता है जी। छठवां खंड रिपोर्टिंग को लेकर के है, जो दलित समाज के कार्यक्रम होते थे उनकी रिपोर्टिंग किस तरह से होती थी या कौन करता था, स्वामी जी से रिपोर्टिंग शुरू होती है, स्वामी अच्युतानंद जी से जी। और उसके बाद में हमारे के आर नारायण जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं उन्होंने भी रिपोर्टिंग करी है हिंदू अखबार के लिए, मोहनदास नेमिसराय ने नभार टाइम्स के लिए रिपोर्टिंग करी, कम से कम दलित समाज के हर कार्यक्रम को उन्होंने कवर किया जी। और दिल्ली के 250 गांवों की रिपोर्टिंग उन्होंने करी, कमल भारती भी उस बीच में थे उन्होंने भी रिपोर्टिंग करी, जयप्रकाश करदम भी अपने टाइम के रिपोर्टर रहे उन्होंने पहले रिपोर्टिंग करी बाद में वो लिखने में आए और फिर बाद में, लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से रिपोर्टिंग करी दलित समाज की कोई एक दस्तावेज नहीं था, अखबार में दे दी, मैगजीन में दे दी, छप गई और फ्री हो गए, लेकिन मैंने जहाँ जहाँ रिपोर्टिंग करी उन रिपोर्टिंग को कवरेज करके इकट्ठा किया और ये मेरी रिपोर्टिंगों का दस्तावेज है छठवां वॉल्यूम। छठवां वॉल्यूम जब सातवें वॉल्यूम में मैंने दलित समाज से जो पत्र पत्रिकाएँ छपती थी उनकी पहली संपादकियों को मैंने इसमें लिया है, उनकी भाषा शैली क्या थी, उनकी योजना संपादकीय क्या योजना रही है, उसको इस सातवें खंड में मैंने दर्शाने की कोशिश करी है जी। आठवां वॉल्यूम इसलिए महत्वपूर्ण बना है क्योंकि मैं कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक गया और लोग मेरे, मैं पढ़ाता भी रहा, एमए भी पढ़ाया, बीए में तो पहले पढ़ाता था, मास्टर डिग्री में पढ़ा, पीएचडी के स्टूडेंट भी मुझे मिले, लेकिन समस्या ये है हमारे समाज के बच्चों को गाइडलाइंस की बड़ी कमी रही है जी। वो पढ़ तो लेते हैं, मास्टर डिग्री कर लेते हैं, लेकिन उनके साथ में सिनॉप्सिस बनाने की सबसे बड़ी समस्या पैदा होती है, किससे बनवाएं, अंत में फिर वो 5-10 हज़ार रुपये में किसी बाहर से लोगों से सिनॉप्सिस बनवाते हैं और फिर वो सबमिट करते हैं। तो मैंने इसमें सिनॉप्सिस लिखने का, आर्टिकल लिखने का, शोध आलेख लिखने का सारे मापदंड इसमें मैंने दर्शाए हैं आठवें खंड में। नौवें खंड में कम से कम 50 से ऊपर दलित समाज के पत्रकारों का जीवन मैंने इसमें रेखांकित किया है जी। दसवां वॉल्यूम यूट्यूब चैनल पे है, दलित समाज के लगभग 250 चैनल आज तक आ चुके हैं, लेकिन जब मैं ये किताब लिख रहा था उस समय 100 चैनल थे, उन 100 चैनलों को मैंने 3 भागों में बांटा, नंबर 1 न्यूज चैनल, दलित समाज के कितने न्यूज चैनल हैं, तो 50 न्यूज चैनलों का मैंने इसमें मूल्यांकन किया, उसके बाद में गीत और संगीत के चैनल और उसके बाद में यूट्यूब के गीत संगीत के चैनल, साहित्य और संस्कृति के चैनल, साहित्य और संस्कृति, तो इस तरह से 100 यूट्यूब चैनलों का इसमें मूल्यांकन है जी। 11वां वॉल्यूम बाम सेफ की पत्रकारिता को लेकर के है कि बाम सेफ ने अब तक कितने पत्र पत्रिकाएं निकाली जी। कांशीराम जी की हम शुरुआत करते हैं तो माननीय कांशीराम जी ने अपने टाइम में 12 पत्र पत्रिकाएं निकाली, 3 दैनिक अखबार निकाले, फिर उसके बाद में बामसेव के मुखिया बदले, कहने बामन मेशराम बने या ये क्या कहते हैं बी डी बोरकर बने, इनके टाइम में भी अखबार निकला और पत्रिकाएँ भी निकली, यूट्यूब चैनलों की भी शुरुआत हुई, उन सबको मैंने इसमें दिया है, यूट्यूब चैनल कौन कौन से हैं बामसेफ के और पत्र पत्रिका कौन सी हैं और बामसेफ का उद्देश्य क्या है, कितने बिंग है किसकी, बामसेफ का जन माध्यम वो इसमें पूरा का पूरा आपको पढ़ने को मिलेगा जी। 12वां वॉल्यूम आदिवासी पत्रकारिता को लेकर के है, इसमें 150 सालों का आदिवासी पत्रकारिता का इतिहास है, गांव माँ गया मैं, लोगों से मिला भी और वहाँ से पत्र पत्रिकाओं को लिया, उनकी भाषा सब, उसमें मैंने ये भी खोज नहीं करी है कि बाबा साहब के विचार को लेकर के आदिवासियों ने अपने पत्र पत्रिकाओं के
विशेषांक कब से बनाने प्रारंभ किए, वो भी एक मेरी शोध का काम है। कि कुछ लोग ये कहते हैं आदिवासियों में अंबेडकर नहीं पहुंच पाए, तो मैंने इसमें सिद्ध करने की कोशिश करी है कि बाबा साहब के विचार को किन किन आदिवासियों ने अपने पत्र पत्रिकाओं के में शामिल किया, उनके उन पर विशेषांक बनाए, वो आपको इस बार आराम से पढ़ने को मिलेगा। जी 13वां वॉल्यूम जो है वो पिछड़े वर्ग की पत्रकारिता को लेकर के है। जी पिछड़े वर्ग की पत्रकारिता का भी कोई इतिहास नहीं था, और उस इतिहास को इकट्ठा करने के लिए मैं भी गांव-गांव शहर-शहर घूमा, लोगों से बात की, तो इसके अंदर फूले समाज और कुशवा समाज की पत्रकारिता का इतिहास है, प्रजापति समाज की पत्रकारिता का इतिहास आपको पढ़ने को मिलेगा, यादव समाज की पत्रकारिता का इतिहास पढ़ने को मिलेगा, कुर्मी समाज की पत्रकार का मिलेगा, और इसके अलावा और भी पिछड़े वर्ग के कई वर्गों से पत्र पत्रिका जो निकली हैं प्रकाशित हुई हैं उनका भी इतिहास मिलेगा, और पिछड़े वर्ग में कौन कौन सी जातियां हैं वो भी इसमें शामिल की गई हैं। इसलिए ये अंक मेरा सबसे ज़्यादा भारी हो गया है, यानी 400 पेज का ये अंक है पिछड़े वर्ग की पत्रकारिता का इतिहास। 14वां जो वॉल्यूम है वो बाबा साहब की लोक गायकी पर आधारित है जी। कि बाबा साहब की लोक गायकी या बाबा साहब के संदर्भ में या मान्यवर कांशीराम के संदर्भ में किन किन लोगों ने गीत गाए जी। और कहाँ से प्रारंभ हुए, स्वामी अच्युतानंद हमारे पहले व्यक्ति हैं, उन्होंने भजन के माध्यम से अपने विचार को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करी, केवलानंद, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गीत गाते थे, उस समय अपनी पीड़ा दर्शाते थे, मनु जी तुमने वर्ण बना दिए चार, तो वो कहाँ कविता जी थी या वो गीत था, उस गीत से हमारे लोगों में जन जागृति हुई, कुछ लोगों ने बीपी मौर्या के या मान्यवर कांशीराम जी के मंचों पर भी गीत गाए, उस गीत उन गीतों से भी हमारा आंदोलन खड़ा हुआ, उन गीतों से भी हमारा अंबेडकर का विचार आगे बढ़ा, और उस विचार का नाम है अंबेडकर जनसंचार। रूपचंद गौतम जी ने आपको 14 वॉल्यूम्स के बारे में बताया, सर ये साहित्य क्या लगता है कि बहुजन समाज को कितना परिवर्तित कर सकता है, बहुजन साहित्य परिवर्तित पढ़ेंगे तो ये पत्रकारिता की, जो लोग ये कह रहे थे कि पत्रकारिता में जड़ नहीं है या मान्यवर कांशीराम जी ने कहा था हमारा समाज रूटलेस है, हमारी समाज की कोई जड़ें नहीं है जी। लेकिन मैं सारी समाज की जड़ों को तो इकट्ठा नहीं कर पाया विभिन्न एंगलों पे, जिन जिन एंगलों पे मान्यवर कांशीराम सोच रहे थे, लेकिन मैं अपनी पत्रकारिता का विद्यार्थी रहा, पत्रकारिता का प्रोफेसर रहा, उसी आधार को मैं मानूं तो ये दलित आदिवासी और पिछड़े वर्ग की पत्रकारिता की जड़ें हैं अम्बेडकर जनसंचार जी। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कहा था कि गुलाम को गुलामगिरी का एहसास करा दो तो वो अपनी बीड़ियाँ तोड़ देंगे, मुझे लगता है साहित्य इसके अंदर बहुत ज़्यादा योगदान कर सकता है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 16 विद्यार्थियों को पढ़ने बाहर भेजा था, पर वो कहाँ चले गए, वह अपनी टीवी और बीवी में मस्त हो गए मुझे ऐसा लगता है, लेकिन वो अगर कहीं ना कहीं एजुकेशनली वर्क करते या बाबा साहब को लगता था कि अगर मैं अकेला जब इतना कुछ कर सकता हूँ तो 16 लोग तो पूरे सिस्टम को बदल सकते हैं, लेकिन आज तो कई हजार लाखों लोग आ गए हैं जो लगातार सिस्टम को बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो एजुकेशन के लिए अपने साहित्य को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि जो लोग अपने साहित्य को पढ़ते हैं वह अपने समाज के बारे में जानते हैं, और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था पे बैक टू सोसाइटी को भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पे बैक करना भी बहुत ज़रूरी है, तो आप पे बैक भी करते रहें, आप अपना टाइम दें, टैलेंट दें, ट्रेजरी दें, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि साहित्य जिस जिसके घर में होता है वह विचारधाराओं से कहीं ज़्यादा ऊपर होता है, बाबा साहब और कांशीराम और हमारे महापुरुषों के संघर्ष कभी खराब नहीं जाएंगे, और इन सबको संजोए रखने का कार्य कर रहे हैं, एक ही माला में प्रोए रखने का काम कर रहे हैं रूपचंद गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इस अहम मुद्दों पर हमारे साथ बात करी और आपने खजाने के दर्शन कराए, जो खजाना अगर आपको चाहिए, आप चाहते हैं अपने घर के वंशज को सही सहारा में ले जाना, तो आप इस खजाने को अपने घर मंगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसका लिंक दे दिया है, धन्यवाद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।